शनिदेव अभी कुंभ राशि में अस्त की स्थिति में हैं। शनिदेव 18 मार्च को कुंभ राशि में उदित होंगे। ज्योतिष शास्त्र में शनि का उदित होना शुभ घटना मानी जाती है। शनिदेव को न्याय के देवता कहा गया है। वहीं ज्योतिष आचार्य के अनुसार व्यक्ति की कर्मों के आधार पर शनिदेव फल प्रदान करते हैं। शनिदेव उदय होकर कुछ राशियों को विशेष लाभ पहुँचाने वाले हैं। शास्त्र में शनिदेव को महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त है। इन्हें न्याय दाता ग्रह भी माना जाता है। शनि के उदय होने के साथ ही कुछ राशियों को विशेष लाभ होने वाला है। शनि को न्याय का देवता भी कहा जाता है, शनि को कर्म का देवता भी कहा जाता है। कर्मों का निर्णय शनि के द्वारा किया जाता है। जो हम कर्म कर देते हैं, उन कर्म का जो फल हमको प्राप्त होता है, उसमें शनि की बहुत अहम भूमिका होती है। वहाँ शनि जो है वहाँ अपना निर्णय सुनाता है। शनि को दुष्ट ग्रह भी माना जाता है, क्रूर ग्रह में उसकी गिनती होती है। लेकिन यदि आपके सत्कर्म हैं, तो शनि आपके लिए न्याय के देवता के रूप में शुभ फल भी प्रदान करता है। तो ज्योतिषीय जो कालचक्र है वो चलता रहता है। ग्रह अपनी जो गति है, अपनी चाल, अपने मार्ग पर चलते रहते हैं। तो उसी ज्योतिषी गणना के अनुसार 18 मार्च के दिन शनि का पुनः उदय होने जा रहा है। जो शनि का उदय होना एक शुभ घटना है, ज्योतिष में इस घटना को बड़ा शुभ बताया गया है। और शनि के उदय होने से कुछ राशियों को निश्चित ही लाभ होगा, और कुछ राशियों का जो कठिन समय था, जो मुश्किल समय था, उनका वह मुश्किल समय जो है वह समाप्त होगा। विशेष रूप से मेष राशि के लिए शनि का उदय बहुत लाभदायी है। उनके करियर, उनके व्यापार, व्यवसाय, नौकरी इत्यादि में वह उनको शुभ फल लाभ देने वाला होगा। आय में वृद्धि करेगा और राजा के द्वारा मेष राशि को सम्मान की प्राप्ति भी होगी। उसकी मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। इसी प्रकार कन्या राशि के लिए शनि का उदय शुभ फल देने वाला है। और जो कुछ भी मेहनत कर रहे थे, यदि उस मेहनत का अभी तक उनको पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो अब शनि के द्वारा उनको किए गए मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आय वेतन में वृद्धि होगी। उनके भी करियर, नौकरी इत्यादि में प्रमोशन इत्यादि कार्य विस्तार के योग रहेंगे। तुला राशि के लिए भाग्य का कारक ही शनि है, और शनि का उदय हो रहा है, तो निश्चित ही तुला राशि के भाग्य में वृद्धि होने जा रही है। उनको संतुष्टि प्राप्त होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पैतृक संपत्ति से भी लाभ होगा और नए लाभ के अवसर उनको प्राप्त होंगे। इसी प्रकार धनु राशि के जो जातक हैं, उनको भी आर्थिक लाभ, नौकरी के नए अवसर, धन कमाने के अवसर प्राप्त होंगे। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख उनको प्राप्त होने जा रहा है।